चलो आप टक्सेडो सूट बूट बनाओ, आप ऑस्कर के लिए जा रहे हो। दैट्स पान नलिन। His Gujarati film Chello Show is India's official entry to the Oscars. गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट के अद्दाला गांव में जन्मे नलिन के परिवार में फिल्म्स देखना अलाउड नहीं था। He left his family at a young age to become a self-taught filmmaker. From stealing movie tapes to selling tea with his father to now getting international recognition for his cinema, Nalin has come a long way. Joining us on NDTV, Pan Nalin, आपने पहली बार अपनी जिंदगी में जब फिल्म देखी, आप बताते हैं कि वो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था आपके लिए, अगर आप उसे बयां कर पाए। एक बार मेरे फादर ने खुद बताया कि हम आज फिल्म देखने जा रहे हैं, तो मुझे बहुत सरप्राइज हो गया। तो वो, लेकिन उन्होंने बताया कि ये धार्मिक फिल्म है इसलिए हम जा रहे हैं, जय महाकाली। तो हम चले और जब सबसे पहले एक शॉट आया काली का, अपने ऐसे टंग निकाले और क्रैश जूम हुआ और मैं डर के कुर्सी के नीचे चला गया। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जब लुमियर ब्रदर्स ने जो पहली फिल्म का स्क्रीनिंग किया था, जो ट्रेन आ रही है और लोग भाग के निकल गए थे, ऐसा ही कुछ सेंसेशन हुआ, मैं कभी भूला नहीं। और तब से मुझे ऐसा लगा कि बस मुझे कैसे भी करके फिल्म मेकर बनना है, सिनेमा में जुड़ना है। और ये सपना मैंने कभी नहीं छोड़ा, उसके पीछे लगा रहा सालों भर। फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारी शैतानियां आपने बचपन में की हैं, कोई एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस? अमिताभ बच्चन की फिल्म चल रही थी, तो जहां मेरे फादर हम वहां रहते थे वो रेलवे स्टेशन था, तो पहले फिल्म प्रिंट रेलवे में जाती थी, प्रिंट के बॉक्स होते थे, तो हम बच्चों ने मिलके उसमें से एक रील चोरी कर ली, और चले गए खेत में और खोल के पूरा देख लिया। और 10-15 दिन के बाद पता चला कि नजदीक वाले शहर में धमाल मच गया, पुलिस आ गई, क्योंकि ऑडियंस बहुत नाराज होगी कि ये सीन मिसिंग है, इसमें पूरा 20 मिनट गायब है। तो ये सीन मेरे जिंदगी में हमारे हमारे साथ रहा। फिर वो पुलिस वाले भी गांव में आ गए और काफी धमाल हुआ। लेकिन ये फिल्म हमने जब रील चोरी की थी तो सिर्फ इसीलिए की थी कि हम सिनेमा में इतना डूब गए थे कि हम कैसे भी करके अपना फिल्म शो बनाना चाहते थे गांव में। पिछली बार अगर भारत की कोई फिल्म ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी तो वो थी लगान, जिसको डायरेक्ट किया था आशुतोष गोवारिकर ने। और मैंने पढ़ा कहीं पे कि आपने जब अपनी फिल्म को मिस्टर गोवारिकर को दिखाया था तो उन्होंने कहा था कि हाँ ये ऑस्कर्स में जाएगी। देखो, आशुतोष गोवारिकर जी को मैंने और धीर मोमाया जो मेरे प्रोड्यूसर है, वो जब से हमने फिल्म बनाना शुरू किया तब से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। करीब 5-6 महीने पहले उनके लिए प्राइवेट शो किया तो तभी आशुतोष गवारीकर जी जो पहले इंसान थे, उसने दो चीज बोली धीर मोमाया को, मेरे प्रोड्यूसर को, कि चलो आप तक्सेडो सूट बूट बनाओ, आप ऑस्कर के लिए जा रहे हो।